नमस्कार, भारत समाचार स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राज्वल गौतम। आपके घर बनाने के सपने पर डाका डालने वालों के खिलाफ हमने ये मुहिम शुरू की है। निवेशकों के दर्द और बिल्डर्स की लूट का पर्दाफाश करने के लिए हमने ये मुहिम शुरू की है। आपकी बात हुकूमत तक पहुंचाने के लिए हम मंच मुहैया कराते हैं और हमारी ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक कि निवेशकों यानी कि आप लोगों को आपका पैसा या घर धोखेबाज बिल्डर वापस नहीं कर देते, क्योंकि ये बिल्डर नहीं दरअसल बदमाश कंपनी है। आज बात लुटेरे बिल्डर्स की दिवालिया गाथा की। पुराने जमाने के डाकू कुछ अलग दिखते थे, हमें पहचान हो जाती थी, लेकिन वक्त बदला तो डाका डालने का तरीका भी बदला और डकैतों के चेहरे भी। जंगलों से आने वाले डाकुओं में अब कंक्रीट के जंगलों को बसाने का काम शुरू किया है और हमें और आपको लूटने का हाईटेक तरीका भी खोज निकाला है। अब वो इसी कंक्रीट के एक छोटे से हिस्से का लालच देकर हमें हमारे घर के सपने दिखाते हैं और हमारी जेबों को लूट कर खुद को भिखारी बताकर पैसा डकार जाने की बेशर्म कोशिश करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद और नोएडा के बदमाश बिल्डर तीन और बिल्डर दिवालिया घोषित करने पर तुले। अल्ट्रा होम बिल्डर का अल्ट्रा फ्रॉड तरीका। जेपी और आम्रपाली के बाद सिलिकॉन वाले डकैत खुद को दिवालिया बता रहे। बिल्डर्स की दलाली का मकर जाल सिर्फ नोएडा या ग्रेटर नोएडा तक नहीं फैला है, गाजियाबाद में भी दलाली के सूरमाओं ने निवेशकों की आंखों का काजल निकाल लिया है। उनके सपनों को आग लगा दी, उनकी उम्मीदों को पजेशन की तारीखों के बोझ तले दबा दिया। गाजियाबाद के हर इलाके में लुटेरे बिल्डर्स ने अपनी उगाही की दुकानें खोल रखी हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह, जिनमें निवेशकों को बुलाकर उनको उनके आशियाने के सपने दिखाए जाते हैं और रकम हाथ लगते ही बदमाश बिल्डर अपनी औकात पर उतर आते हैं। आम्रपाली, गौर, सुपरटेक, अल्ट्रा होम बिल्डर, सिलिकॉन सिटी और महागुन जैसे बिल्डर्स ने यहाँ भी अपना जाल पूरी तरह से बिछा रखा है और सैकड़ों निवेशकों के आशियाने के सपने को निगल रखा है। जब निवेशकों का सब कुछ खा गए तो जवाबदेही के नाम पर डकार तक नहीं ले रहे, कह रहे हम दिवालिया हैं। निवेशक सड़कों पर आ चुके हैं। जिंदगी भर की पूंजी और पावर को जेब में रखकर घूमने वाले दो मुहवाले बिल्डरों के खाते में जमा कर दी गई। तो आशियाने का सपना, घर का किराया, बैंक का ईएमआई, बैंक के ईएमआई के फेर में फंसकर गले की फांस बन गए हैं ये बिल्डर। हम लोगों ने सर्विस टैक्स दिया, हम लोग बैंक को पैसा दे रहे हैं, हम लोग हर बार ईएमआई देते हैं। क्या सर्विस क्लास आदमी जिसके पास आज रोटी की दिक्कतें हैं इसलिए वो नौकरी करने निकलते हैं? हम औरतें जो यहाँ बैठी हैं, क्या उन लोगों की ये समस्या है कि वो यहाँ पे आकर के खड़ी हुई नारेबाजी करें? क्या नरेंद्र मोदी अपनी माँ को, बहनों को सड़क पे उतरते देखना चाहते हैं? किसी ने 10 साल पहले अपना आशियाना बुक कराया था, किसी ने 12 साल पहले, तो किसी ने 15 साल पहले, लेकिन सपनों की किश्त अदायगी क्या हुई? आंखों में तैरती इंतजार की तस्वीरें धुंधली होती चली गईं, सपने जमींदोज हो गए और बेईमान बिल्डरों का साम्राज्य फैलता गया। आम्रपाली, अल्ट्रा होम बिल्डर और सिलिकॉन सिटी जैसे बिल्डर्स निवेशकों को तो चूना लगा ही रहे हैं, साथ ही सरकार और प्राधिकरण को भी धोखे में रखे हुए हैं। ज्यादा जमीन दिखाकर एक तरफ जहां प्राधिकरणों को धोखा दिया जा रहा है, वहीं फ्लैट के एरिया से लेकर पजेशन तक में निवेशकों को चक्कर पर चक्कर कटवाए जा रहे हैं। निवेशक काटे चक्कर, अथॉरिटी बने घनचक्कर और बिल्डरों के इसमें मलाई। ये बिल्डरों की ठगी की एक ऐसी अनंत कथा है जिसमें किरदार से लेकर फ्रॉड की स्क्रिप्टिंग तक सब बिल्डर के इशारे पर आगे बढ़ती है। अपराध की अनंत कथा में इन डकैत बिल्डरों ने लूट के अध्याय का एक और पैंतरा चलना शुरू कर दिया है। मतलब निवेशकों से पैसा लिया, प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं किया, जहां से निर्माण सामग्री खरीदी उसका भी भुगतान नहीं किया।
कुछ घूसखोर अफसरों की मिलीभगत से सरकार और प्राधिकरण को धोखे में रखा, एरिया से लेकर पर्यवेक्षण तक का सारा खेल कर दिया, सारा पैसा डकार लिया, निर्माण कार्य भी पूरा नहीं किया। तो सरकार के संरक्षण में पल रहे हमारे नए जमाने के कार वाले डकैतों, आपकी प्रतिभा का कोई सानी नहीं है। बिल्डर जो है इतनी बड़ी रकम लेकर के और वो अपने ऐशो आराम से रह रहा है, अपने घर परिवार के लोगों को ठीक से रख रहा है, लेकिन हम लोगों गर्मी के माहौल में और दोनों ही काम करने पड़ रहे हैं, ईएमआई अलग से देनी पड़ रही है और जो है हमको जहाँ मकान है वहाँ किराया देना पड़ रहा है और मकान भी नहीं मिल रहा है और हमको ये विश्वास भी नहीं हो रहा अभी भी, क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि हम आपको 14 में देंगे, फिर कहते हैं हम 15 जून में तक दे देंगे, आज मैं मिला तो वो ये कह रहे हैं कि हम आपको मई 18 में दे देंगे, पर मुझे लगता नहीं, झूठ बोल रहा है ऑफिस। इन बिल्डरों को आप लुटेरा कह लीजिए, पैसा डकार जाने वाला मॉडर्न दानव कह लीजिए, धोखेबाजों का सरगना कह लीजिए, ठगी के गिरोह का बेशर्म दरख्त कह लीजिए, चाहे सरकार की सरपरस्ती में चल रहे आम निवेशकों को सपनों का बंदरबांट के खेल का माहिर खिलाड़ी कह लीजिए, ये दरअसल अब दिवालिया होने के नाम पर निवेशकों के घरों में होने वाली दिवाली को हमेशा हमेशा के लिए निगल जाना चाहते हैं। तो अब ये लयमार खुद को दिवालिया घोषित करने पर तुले हुए हैं। अरे काहे के दिवालिया हो तुम लोग? तुम लोगों ने निवेशकों का करोड़ों रुपए डकार लिया, अथॉरिटी का पैसा भी नहीं दिया, जिससे कच्चा माल खरीदा उसका भी पेमेंट नहीं किया। एक बात बताओ, ये अपने पेट में लयमारी का पैसा रखकर पचाओगे कैसे? तो सरकार एक इल्तिजा आपसे है कि इन पिटहा टाइप के पैसों के दानों को अब जेल की बैरक जरूर पहुँचाइए आप, शायद वहाँ इनका डाइजेशन ठीक हो सके और निवेशकों का भी आप पर भरोसा मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देश की राजधानी के पास बसने का, अपना घर बनाने का सपना किसका नहीं होता? तो सपनों को सतरंगी योजनाओं के कागजों से मढ़कर दलाल और डकैत टाइप के बिल्डर घर के सपने को सोने का कटोरा साबित करते हैं और फिर निवेशक उसी कटोरे के इर्द गिर्द अपनी पूरी जिंदगी खपा देता है, कभी घर के पजेशन के लिए, कभी गाड़ी कमाई की वापसी के लिए, तो कभी आक्रोश में हाय हाय के नारे लगाने के लिए। कुछ ऐसी ही कहानी है नोएडा के निवेशकों की, जिनके सपनों का शीश महल अब बिल्डर की बेईमानी की भेंट चढ़ गया है। एक घर, वो भी नोएडा में, सपना अच्छा है, लेकिन उस सपने के बलबूते कोई अपने सपने पूरे कर ले, वो ही हैं ये बिल्डर। और बिल्डर क्यों, इनको आप लुटेरे या डकैत भी कह सकते हैं, क्योंकि जिन आंखों में सपने सजते हैं उन आंखों में धूल झोंकना इनको अच्छे से आता है। और तभी तो सड़क के फकीर से ये बिल्डर अमीर बन जाते हैं। आम्रपाली, गौर, सुपरटेक, अल्ट्रा होम, सिलिकॉन सिटी और महागुन बन जाते हैं। और आम इंसान पहले बैंक से लोन पास कराता है, उस लोन को महीने दर महीने चुकाता है, जिस मकान में रहता है उसका किराया चुकाता है और आखिर में वो अमीर से सड़क का फकीर बन जाता है। इनकी गलती क्या है? बस इतनी कि इन्होंने नकाब पोशों पर भरोसा कर लिया था। इनको क्या पता था कि वो चोर, लुटेरे और डकैत हैं और उनका साथ देने के लिए पुलिस, प्रशासन, प्राधिकरण और सरकार सब जुट जाएंगे। इसलिए ही इनको सड़कों पर उतरना पड़ा है। हम लोग कड़ी धूप में बैठे हुए हैं यहाँ पर, और किस लिए? अपने हार्ड अर्न मनी को वापस लेने के लिए। और यहाँ पर एक भी कोई भी प्रशासन से कोई नहीं आया, कोई हमारी किसी के कान में जू नहीं जा रही है। ये अच्छे दिन नहीं है हमारे लिए, ये बुरे दिन आ गए हैं और हम अपने ही पैसे के लिए पिलर टू पोस्ट भाग रहे हैं। और हमारे पर जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं लोन की, इंटरेस्ट की और महंगाई की, वो सब भी देखना है और हमारी जॉब भी है, तो वो सब को देखकर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं किस बस एक चीज के लिए कि या तो हमारे पैसे वापस दिला दो या तो हमारा घर दिला दो। पेशानी पर परेशानी की लकीरें निवेशकों की तकदीर बन गई हैं, क्योंकि अब नोएडा में चोर चोर मौसेरे भाई का खेल खेला जा रहा है, जहां एक तरफ अथाह पैसों के मालिक ये बिल्डर अब खुद को दिवालिया घोषित करके पाप से मुक्ति चाहते हैं, तो वही प्राधिकरण भी इनकी मदद कर रहा है कि जो लूटा है उसमें हिस्सेदारी दो और हाथ धो लो,
अपने पापों से। निवेशकों के साथ साथ बैंक भी परेशान हैं, क्योंकि जिस जमीन पर इन बिल्डर ने लोन लिया था उस पर आशियाना बसाने के नाम पर निवेशकों ने भी लोन ले लिया है। अगर ऐसे में बिल्डर दिवालिया होते हैं तो इनकी संपत्ति बेचकर पहले प्राधिकरण अपना पेट भरेगा और उसके बाद बैंक। लेकिन जो लोन इन निवेशकों ने लिया है वो बैंक इनसे लेकर रहेगा। आमतौर पर जो दिवालिया होते हैं वो कंपनियां ही दिवालिया होती हैं, मालिक प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स कभी दिवालिया नहीं होते। आपने अभी रिसेंटली एक विजय माल्या का केस देखा था, वो एक राजशाही की जिंदगी वहां लंदन में जी रहा है। देश के बैंक परेशान हैं, बैंक कौन परेशान है, बैंकों के पीछे जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं वो परेशान हैं। जिस तरह से एक के बाद एक बिल्डर खुद को दिवालिया घोषित कर रहे हैं उसको लेकर निवेशक तो परेशान है ही, साथ ही रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि ये बिल्डर दिवालिया घोषित नहीं हुए हैं, इनकी कंपनी दिवालिया घोषित हुई है, वो भी प्राधिकरण के निकम्मेपन की वजह से, क्योंकि जो जिम्मेदारी प्राधिकरण को निभानी चाहिए थी वो कभी गंभीरता से निभाई नहीं गई, यानी कि प्राधिकरण कभी निवेशकों के लिए था ही नहीं। सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है जो कि नहीं निभाई गई है। आरंभ से ही आप देखें तो प्राधिकरण ने इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। प्राधिकरण सिर्फ सरकार की एक प्रॉपर्टी डीलिंग एजेंसी बनके रह गई। अगर प्राधिकरण ने अपने दायित्वों का निर्वहन कायदे से किया होता तो ये स्थितियां पैदा ही नहीं होती। अब चूंकि प्राधिकरण का काम ही सिर्फ पैसे लेना और धड़ाधड़ एनओसी देना है, जिसके आधार पर ये चीजें बढ़ती चली गई और आज इस स्थिति में आ गई हैं कि वो ना संभाली जा सकती हैं और ना ही लोगों को आसानी से मकानों के पजेशन मिल सकते हैं। एक बिल्डर की आप बात कर रहे हैं आम्रपाली की, मैं कह रहा हूँ नोएडा के कई ऐसे बिल्डर्स हैं जो जल्दी ही डिफॉल्टर हो जाएंगे और धीरे 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 ये परंपरा सी एक बन जाएगी। पुलिस निकम्मी, प्रशासन नाकारा और प्राधिकरण बेईमान हो गया है। तभी तो जो चाबुक इन लोगों के हाथ में थामी गई थी उसे ये लोग कहीं रख कर भूल गए। लेकिन अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हुई हैं कि वो क्या करेगी, क्योंकि पिछले 14 दिन से लोग अपना घर परिवार छोड़कर सड़कों पर बैठे हैं। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है लेकिन करना नहीं चाहती। सरकार चाहे तो निवेशकों को राहत के देने के लिए प्रोजेक्ट पूरा कर सकती है, उसके लिए सरकार को खुद फंड मुहैया कराना होगा और बाद में प्रोजेक्ट डेवलपर से रकम की वसूली कर सकती है। इसके लिए सरकार को बिल्डर की संपत्ति बेचने पर जोर देना होगा, लेकिन लगता है सरकार की प्राथमिकता प्राधिकरण बैंकों का पैसा वसूलने तक सीमित है। तभी तो इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार ने मुंह में दही जमा रखा है। एक दिक्कत और है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए बैंकों से फंड लेना होगा, लेकिन फिलहाल बढ़ते हुए एनपीए की वजह से बैंक ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लोन देने में हिचक रही है। यानी कि बैंकों को सरकार पर भरोसा नहीं है और सरकार भी इसी का बहाना बनाकर रेत में मुंह छिपाए बैठी हुई है। यानी कि आप चीखिए, चिल्लाइए, अपना गला फाड़िए, यहाँ सब अंधे, गूंगे, बहरे बने हुए हैं, ना किसी को कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है, तो भला बोलेंगे क्या। ठग बिल्डरों ने लाखों लोगों के सपने चकनाचूर कर दिए। लोगों ने सोचा था कि उत्तर प्रदेश का शोविंडो कहे जाने वाला नोएडा, यहाँ पे एक अपना मकान होगा जिससे वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। वो उसका फायदा उठाया बिल्डरों ने, इनकी गाढ़ी कमाई इनसे लूट ली, या ये कहें इनके घर में डकैती डाली। डकैती डालकर इनको आज बिल्डरों ने सड़कों पर उतार दिया है और खुद आराम से एसी के कमरों में आराम कर रहे हैं। तो देखना होगा सोती हुई सरकार और सोता हुआ जिला प्रशासन कब जागता है और कब मिलता है इन परेशान निवेशकों को इंसाफ और कब मिलता है इनको अपना घर। भारत समाचार के लिए दानिश अजीज नोएडा। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार, भारत समाचार स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राज्वल गौतम। आपके घर बनाने के सपने पर डाका डालने वालों के खिलाफ हमने ये मुहिम शुरू की है। निवेशकों के दर्द और बिल्डर्स की लूट का पर्दाफाश करने के लिए हमने ये मुहिम शुरू की है। आपकी बात हुकूमत तक पहुँचाने के लिए हम मंच मुहैया कराते हैं और हमारी ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक कि निवेशकों यानी कि आप लोगों को आपका पैसा या घर धोखेबाज बिल्डर वापस नहीं कर देते, क्योंकि ये बिल्डर नहीं दरअसल बदमाश कंपनी है। आज बात लुटेरे बिल्डर्स की दिवालिया गाथा की।
नोएडा में बिल्डर्स की ठगी के वजह से आम लोग परेशान हैं। किसी ने अपना रिटायरमेंट का पैसा लगा दिया तो कोई आज भी ईएमआई भी भर रहा है और मकान का किराया भी देने को मजबूर है। तो कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनकी बेटी बीमार है। सोचा था मकान मिलेगा तो किराया बचेगा और उसी किराए से बेटी का इलाज हो सकेगा। ऐसे में अब निवेशक प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से कह रहे हैं कि छोड़िए राजनीति की बात, अब तो सुनिए मन की बात। आलिशान इमारतें, लंबी चौड़ी सड़कें और उन सड़कों पर फर्राटा भरती गाड़ियां, जिंदगी की ये रफ्तार नोएडा की है। यूपी का सबसे हाई प्रोफाइल शहर जहां रहने के सपने हर कोई देखता है। जैसे ही नोएडा में कदम रखता है अच्छी नौकरी के बाद उसका सपना इस शहर में आशियाने का होता है। और हो भी क्यों ना, ये शहर जीने का नया तरीका सिखाता है। लेकिन इस शहर को किसी की नजर लग चुकी है और ये लोग कोट पैंट और टाई लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लुटेरे हैं, डकैत हैं। दरअसल जो लोग अपना आशियाना इस शहर में बसाना चाहते हैं वो पहले खून पसीने की कमाई इकट्ठा करते हैं और फिर इन लुटेरे सपनों के सौदागरों के हाथों में अपनी गाढ़ी कमाई थमा देते हैं। ऐसे ही कुछ लुटेरे हैं जेपी, लॉजिक्स और आम्रपाली। सबका एक सा तरीका है लूटने का। आम्रपाली का मालिक अनिल शर्मा कुछ सपने लेकर आया था लेकिन देखते ही देखते वो बदमाश बिल्डर्स की कंपनी का मालिक बन बैठा। लोगों को वक्त पर फ्लैट देने का वायदा किया था लेकिन वो वायदा भी कभी नहीं पूरा हुआ। इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से लेकर प्राधिकरण तक की गई लेकिन सब आम्रपाली की जेब में है। जिसके बाद सरकार से न्याय की गुहार लगाए 12 दिन से लोग सड़कों पर बैठे हैं। लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मुझे बोला गया था 2017-18 तक में फ्लैट मिल जाएगा। मेरा 50% से ज्यादा पैसा जा चुका। हमारे पैसे का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट को जब अपना पैसा चाहिए था उन्होंने इसके MD को बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। अगले दिन 4.5 करोड़ रुपया उन्होंने दे दिया लेकिन हमारे पैसे का क्या? क्या गवर्नमेंट को सिर्फ अपने पैसे से मतलब है या हमारे पैसे से भी मतलब है? हम आम लोग यहाँ पे हर दिन बैठते हैं, 24 घंटे 10 दिन से बैठे हुए हैं लेकिन कोई भी पूछने नहीं आया है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये गर्मी है, लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, बुजुर्ग हैं। एक एक बुजुर्ग जो 90% पैसा दे दिए, अपना PF का सारा पैसा दे दिए हैं, उनका हिसाब कौन देगा? ये कोई अकेली निवेशक नहीं है जो सड़क पर उतर कर अपना पैसा, अपना हक मांग रही हो। ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो अब घर की चाहत में सड़क पर बैठी हैं, पूरा परिवार लिए। ऐसी एक बुजुर्ग महिला भी हैं, दुख अलग नहीं है इनका। इनको भी ठग लिया है ऐसे लुटेरे बिल्डर्स ने, आम्रपाली ने। यहाँ बैठे हर इंसान की कहानी आपको रुला देगी। ऐसी ही कहानी है इनकी। इनकी बेटी किडनी की बीमारी से ग्रसित है। उनको उम्मीद थी कि उनका उनको सपनों का आशियाना मिल जाएगा तो वो किराए का मकान छोड़ देंगी और उन पैसों से अपनी बेटी का इलाज करा लेंगी। लेकिन पैसे की हवस में अंधे हो चुके अनिल शर्मा को शर्म नहीं आई। सुनिए एक निवेशक, एक माँ की दास्तां, अपने घर के लिए सड़क पर कैसे बैठी है। मेरी बेटी की किडनी पेशेंट है और मैं उसको डायलिसिस पे है, मैं उसको करती हूँ करके और फिर भाग के आती हूँ कि मुझे मेरा एक घर अपना मिल जाएगा तो रेंट ने वो पैसे बचेंगे तो मैं उसकी किडनी या जो भी दवाइयाँ डायलिसिस चल रही हैं वो खर्चा, मेरे डबल खर्चे चल रहे हैं। MI अलग भर रही हूँ, डायलिसिस का खर्चा अलग चला रही हूँ, उसके बाद रेंट अलग दे रही हूँ, मकान की ये स्थिति है। वहाँ से करके मैं किस तरीके से भाग के यहाँ पे आती हूँ तो क्या ये मेरी तकलीफ नहीं है? हम लोगों ने वोट दे के उनको एक ईमानदार नेता के रूप में हम लोग ले आए और आज वो हम लोग के सामने नहीं आ रहे हैं। हम लोग इतने दिन से 9-10 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, एक बार भी उनको सुध नहीं लेनी चाहिए मेरी। ये किसी एक महिला, एक परिवार की कहानी नहीं है। यहाँ हर कोई अनिल शर्मा नाम के लुटेरे का शिकार हुआ है। किसी ने अपनी सारी जमा पूंजी इस लुटेरे के हाथ में रख दी तो किसी ने बैंक से लोन ले लिया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी लोगों को छत नसीब नहीं हुई और लोन का बोझ उनके कंधे झुकाता जा रहा है। कोई रोकर, कोई चीख कर, कोई हंगामा करके तो कोई कविता गाकर अपना दर्द बयां कर रहा है। सुनिए जरा। उम्र हो गई है।
अगर अभी भी कुछ चल पाता हूँ, बीपी है मुझको और शुगर भी चेक करवाता हूँ। मैंने सारी जमा पूंजी लगा दी अपनी एक घर पाने को, अब तो पेंशन से ही घर चलाता हूँ। नींद तो अब आती नहीं मुझे मोदी जी, इसलिए धरने में रोज नाइट शिफ्ट लगाता हूँ। मैं भी मोदी जी बच्चों को अकेला छोड़ मीलों पैदल चल नोएडा रोज आती हूँ और फिर खामोशी से धरने में किसी कोने में बैठ जाती हूँ। गृहिणी हूँ मैं मोदी जी, अब कैसे पैसे बचाऊंगी? सारे गहने गवा दिए मैंने बस एक सपनों का घर पाने के लिए, अब बोलो वो भी कहाँ से लाऊंगी? बताओ मोदी जी, अब वो भी कहाँ से लाऊंगी? आम्रपाली कोई छोटा मोटा डकैत नहीं है जिसने सपने दिखाकर निवेशकों को जेब पर डाका डाल लिया हो, बल्कि उसकी डकैती पर प्राधिकरण, पुलिस, प्रशासन और सरकार की चुप्पी इस बात की मुहर लगाती है कि इस देश का सिस्टम और हुक्मरान ऐसे ही चोर लुटेरे और डकैतों के साथ खड़े हैं और ऊंची ऊंची इमारतों में बंद। तो बिल्डर्स की लूट और डकैती के बीच निवेशक पिस रहे हैं, प्राधिकरण सुनता नहीं है, पुलिस सुनती नहीं है, प्रशासन बहरा हो चुका है और सरकार के आगे सारी गुहार फीकी पड़ती नजर आ रही है। अब सवाल ये कि निवेशक जाएं तो जाएं कहां? इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।